बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक हो गया दोस्तों। आज की रेसिपी बहुत ही कमाल, बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। सुबह का नाश्ता तो जल्दी करें फिर उठें। आज आपके लिए ब्रेकफास्ट ऑमलेट बनने वाला है, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मज़ेदार। आज दोस्तों बनाएंगे हम 5 अदद एग का ब्रेकफास्ट ऑमलेट। बहुत ही सुपर है, बहुत ही यमी है, बहुत ही क्विक है, और इसको बनाना मैं बहुत आसान कर दूँगा। जो दोस्त ब्रेड के साथ, पराठे के साथ, और मैं कहता हूँ शोरमे में, बर्गर में आप लगा कर इसको ब्रेकफास्ट ऑमलेट को खा सकते हैं। तो दोस्तों ये स्पेशल रेसिपी है, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, इसको मिस नहीं करना है। इसके लिए जो जो चीज़ें हैं वो मैंने रेडी कर ली हैं। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को ज़रूर आपने एक दफ़ा सब्सक्राइब करना है, अगर नहीं किया हुआ, अगर पहले से कर दिया हुआ तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स। तो चलें दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज मुझे बहुत भूख लगी हुई है, पता नहीं क्यों, आज मौसम बड़ा प्यारा था तो मैंने कहा ब्रेकफास्ट ऑमलेट बनाया जाए। यहाँ पर दोस्तों मैंने 5 अदद एग लिए हैं, ठीक है, स्पेशल। यहाँ पर देखें स्टंप भी लगी हुई है, ये देखें 24-8, ठीक है, अभी बहुत है टाइम। यहाँ पर मैंने प्याज ले लिया है, ओनियन। यहाँ पर ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हरी मिर्चें ले ली हैं 4 अदद। मैंने इसको एक तरीके से काट लिया था, यहाँ ये डेकोरेट के लिए मैंने रख ली हैं, बहुत ही कमाल। और यहाँ पर स्पाइसेस आएंगे, बहुत ही सुपर, बहुत मज़ेदार। चटपटा मसाला जाएगा, चटपटा चटपटा। यहाँ पर हाफ टी स्पून जाएगा चाट मसाला, और यहाँ पर जाएगी दादरी में कश्मीरी लाल मिर्च हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून से कम जाएगी हल्दी, हाफ टी स्पून जाएगा नमक। नमक जायके मुताबिक कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है। तो चलें दोस्तों मैं आज आपको बताऊँ, मुझे भूख बहुत लगी हुई है तो मैंने यही सोचा था कि यार ब्रेकफास्ट ऑमलेट बनाया जाए, इसके साथ पराठा या ब्रेड के साथ इसको खाया जाए, साथ चाय का कप बनाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ ये आप देखने वाले हैं। यहाँ पर 5 अदद एग को हम बॉल में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर दोस्तों 5 अदद एग को हम बॉल में डाल लेंगे। दोस्तों यहाँ पर मैंने 5 अदद एग को बॉल में डाल दिया है। दोस्तों जल्दी करें, आज तो बहुत भूख लगी हुई है, पता नहीं क्यों, ठीक है। तो यहाँ पर जो ओनियन हरी मिर्चें हैं, ठीक है, हम इसको बीच में डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। यहाँ पर दोस्तों हरी मिर्चें भी डाल देंगे, प्याज डाल दिया मैंने, आप अदरक टमाटो वगैरह डालना चाहते हैं तो डाल लें, कोई मसला नहीं, मैंने नहीं डाला क्योंकि बच्चे नहीं खाते। यहाँ पर दोस्तों मैंने स्पाइसेस मसाले वगैरह मैंने बहुत ही परफेक्ट रखे हुए हैं 5 अदद एग के लिए। बिस्मिल्लाह करके डाल देंगे। आप दोस्तों इसको मिक्स कर लेंगे, आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है मसालों को, क्योंकि फिर ही हमें मज़ा आएगा, वरना भला के मसाले मिक्स ना होंगे तो फिर ब्रेकफास्ट ऑमलेट हमारा अच्छा नहीं बनेगा। इसको मिक्स कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर ये देखें, आई होप कि अगर आज का ब्रेकफास्ट ऑमलेट का तरीका आप दोस्तों को पसंद आए। तो दोस्तों इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि आज बहुत ही बढ़िया ब्रेकफास्ट ऑमलेट बनने वाला है, मज़ेदार 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 मज़ेदार, यमी यमी। क्योंकि ये हमारे घर में बच्चे बड़े सारे बड़े शौक से ये वाला ब्रेकफास्ट ऑमलेट खाते हैं। तो चलें दोस्तों मैंने इनको मिक्स कर लिया अच्छे तरीके से। तो जी दोस्तों यहाँ पर मैंने घी को डाल दिया थोड़ा थोड़ा करके, हम घी को डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके, हम ऑमलेट को इसमें डालेंगे, और दोस्तों आज बहुत ही स्पेशल बनेगा ऑमलेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बना रहा हूँ ज़रा स्पेशल न्यू तरीके का, इसको हम बनाएंगे आज जैसे कि छोटी सी टिक्की बनती है ब्रेकफास्ट ऑमलेट की, इस तरीके से हम बनाएंगे, ठीक है। छोटे छोटे पीसीस इस तरीके से हम गुलाई में रखेंगे और ब्रेकफास्ट ऑमलेट की नई लुक होगी। आप इसको ब्रेड में भी लगा के इसी तरीके से खा सकते हैं, बर्गर शॉर्मा में, रोटी में रोल बना के, पराठे के साथ भी रोल बना के आप इसको खा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ऊपर से ढक्कन को ज़रा देंगे, ऐसे ज़रा स्टीम पहुँचेगी, ऊपर से भी पकेगा, ठीक है, ओके। तो जी दोस्तों ढक्कन को उठाएँगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह यहाँ पर देखें, यहाँ पर देखें ऐसे ऐसे, ओहो कोई बात नहीं, टूट भी जाएगा तो दोस्तों टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर ऐसे ऐसे, ओह दोस्तों बहुत ही कमाल की लुक लग रही है,
आप कोई बड़ा सा कफीर पकड़ेंगे, ओए हो ओए हो ओए हो ओए हो हो दोस्तों मज़ेदार, बहुत ही कमाल की खुशबूएं आ रही हैं। तो इसको वन साइड तो मैंने पका लिया, अब टू साइड को पका के इसको किसी बर्तन में डालें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ये देखें बहुत ही कमाल की हुआ। अब दोस्तों इसको किसी एक प्लेट में हम शिफ्ट करेंगे। बिस्मिल्लाह दोस्तों, मैं पहले एक मिनट इसको सीधा कर लूँ। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कितना कमाल का हमारा सुपर सुपर ब्रेकफास्ट ऑमलेट की ये स्पेशल बहुत ही कमाल की बनी है। इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे हम। तो जी दोस्तों इसमें एक पीस और डालेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से जितने पीसीज इसके बनेंगे हम वो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही कमाल की लुक बनी है यार। यहाँ पर ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कमाल की। घी को आपने मुनासिब डाल लेना है और इसको बहुत अच्छे तरीके से बना लेना है। यहाँ पर फिर क्या करेंगे, ऊपर से इसका ढक्कन लगाएंगे ऐसे ही वन बाय वन करके बना लेंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। वो दोस्तों बहुत ही कमाल का सुपर यार ये तो बना है। यहाँ पर वन साइड को मैंने बना लिया है, अब दूसरी साइड को मैं बहुत ही क्रिस्पी कर रहा हूँ, बहुत ही मज़ेदार कर रहा हूँ। तो दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। तो जी दोस्तों यहाँ पर इसको भी हम शिफ्ट करेंगे। वो दोस्तों बहुत ही कमाल, ये तो बहुत ही कमाल बना है, क्योंकि ये बहुत क्रिस्पी भी बना है और बहुत ही कमाल की लुक लगी है यार, मज़ा ही आ गया दोस्तों। यहाँ पर देखें मैं थोड़ा ज़रा ऐसे करूँ ना, फिर आपको नज़र आएगा। हाय 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 मज़ेदार। तो दोस्तों बाकी का भी जो है उसको भी हम बनाएंगे। घी डालेंगे, मैं घी डालता जा रहा हूँ थोड़ा थोड़ा और बनाता जा रहा हूँ। घी डालने आप ये देखें, इसको ऐसे करके घुमा देंगे चक्कर में, फिर और डाल देंगे। बिस्मिल्लाह। ओहो दोस्तों ये देखिए, मेरे ख्याल से 4 से 5 पीस बन जाएंगे 5 अदद में। ओहो दोस्तों यहाँ पर ये देखें क्या कमाल की लुक है। जल्दी से ऊपर इसको डाल देंगे। तो जी दोस्तों जल्दी से ढक्कन को उठाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों यह लगता कुछ ज़्यादा ही क्रिस्पी हो गया दोस्तों। ओहो दोस्तों बहुत ही मज़ेदार, इसकी भी जो है साइड को मैंने चेंज कर दिया है और अब इसको शिफ्ट करने लगे हैं प्लेट में यहाँ पर ऐसे। बिस्मिल्लाह। ओहो दोस्तों देखें क्या कमाल के हमारे ब्रेकफास्ट ऑमलेट बन रहे हैं, कमाल के सुपर सुपर। ये देखें वन पीस बहुत ही सुपर। तो जल्दी करें इसको बनाएं मेरे तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी बहुत ही कमाल होने वाली है, बहुत ही सुपर होने वाली है। ये तरीका अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि ये आप ब्रेड शवारमा और पराठे में रोल बना के भी खा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बाकी का एक फाइनल पीस है वो भी मैं तैयार कर लूँगा। जी दोस्तों यहाँ पर ये फाइनल जो है इसको भी बना लेंगे। फाइनल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इसको ज़रा बड़ा बना लेंगे, ज़रा बिग कर लेंगे, ज़रा मोटा मोटा कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा फैला देंगे ऐसे करके। ये देखिए बहुत ही सुपर, बहुत ही कमाल की लुक निकली है हमारे ब्रेकफास्ट ऑमलेट की। तो जी दोस्तों आई होप कि अगर आज का ये तरीका आप दोस्तों को ब्रेकफास्ट ऑमलेट का पसंद आया हो, आपको लगे कि भाई ने बहुत ही सुपर तरीका, बहुत ही मज़ेदार तरीका हमें ब्रेकफास्ट एग्ज ऑमलेट का बनाकर सिखाया है, तो दोस्तों इसको ज़रूर आपने ट्राई करना है, मिस नहीं करना, और इसको ज़रूर आपने एक दफ़ा ज़रूर बनाना है। ठीक है दोस्तों, और अल्हम्दुलिल्लाह ये आपको तरीका बहुत ही पसंद आएगा। आपने पहले इस तरीके से नहीं खाया होगा, क्योंकि ये तरीका वो है कि प्याज भी ऐसे खड़ा खड़ा और हरी मिर्चें भी, मसाले भी, वो दोस्तों मज़ेदार। तो अभी इसको जो है हम ऐसे ही करेंगे, पकाई करेंगे और इसकी साइड को चेंज करेंगे। ज़रा दोस्तों थोड़ा सा घुमा लेंगे, मेरे ख्याल से वन साइड जो है ना इसकी नीचे वाली तैयार हो गई है, इसकी साइड को चेंज करेंगे। दोस्तों ये है ज़रा वज़नी, क्योंकि ये इसको ऐसे
ऐसे करके हम चेंज कर लेंगे और बहुत ही कमाल का हमारा ये भी तैयार हो गया। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हम फाइनल लुक दे देंगे, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। तो जी दोस्तों यहाँ पर फाइनल लुक आ गई है हमारे ब्रेकफास्ट ऑमलेट की, बहुत ही सुपर बहुत ही मज़ेदार। तो जी दोस्तों आई होप कि अगर आज का ब्रेकफास्ट ऑमलेट आप दोस्तों को ये तरीका पसंद आया हो, आपको लगे कि भाई ने बहुत ही सुपर बहुत ही मज़ेदार तरीका हमें बनाकर सिखाया है। तो दोस्तों इस दौरान अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर आप एक दफ़ा सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ये बहुत ही शानदार बहुत ही मज़ेदार हमारा ब्रेकफास्ट एग्ज ऑमलेट की न्यू रेसिपी बनी है। आई होप कि अगर आज की रेसिपी का तरीका आप दोस्तों को आसान लगे तो इसको ज़रूर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ग्रुप में शेयर भी करना है। आपको पता है आपका भाई आपके लिए स्पेशल से स्पेशल रेसिपीज, न्यू से न्यू आसान रेसिपीज लाता रहता है। तो आप दोस्तों को ये है कि ये रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और इसी तरह मेरे रेसिपी के साथ प्यार करते रहें। आप दोस्तों का तावन चाहिए, आप दोस्तों का प्यार चाहिए। आज की रेसिपी है बहुत ही सुपर बहुत ही यम्मी, ये रेसिपी को आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट रेसिपी है वो बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही कमाल की होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में किसी खास रेसिपी में। जाते जाते मेरे चैनल को जरूर आपने एक दफ़ा सपोर्ट करना है, ठीक है, मेरे चैनल को ज्वाइन करना है अगर चैनल पर नए हैं। अगर पहले से कर लिया हो तो लव यू ऑल माई फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर मैं यार ये साइड को मैंने तो चेंज नहीं किया, मैं ये भी आपको जाते जाते दिखा देता हूँ। दोस्तों मज़ेदार मज़ेदार, यहाँ पर इसकी भी दोस्तों फाइनल लुक देख लो यार। पता नहीं मेरा कैमरा आपको क्या दिखा रहा है, लेकिन दोस्तों कसम से बहुत ही कमाल लुक निकली है, बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही हैं। और दोस्तों ऐसे लग रहा है जैसे हमने कोई लच्छेदार पराठा बनाया हुआ, हाय 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 मज़ेदार। ओके गाइस, मेरे से अब रहा नहीं जा रहा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, मुझे नाश्ता करना है। आप भी नाश्ता करें जल्दी से मेरे तरीके से बना लें। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।